हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द जी एस उत्तरा में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से रिलेटेड 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आई हूं। फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु माने जाते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जराभिक साथ एक कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 2, पित्त होता है, पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त श्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लिवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, वो होता है आपका विटामिन ए। पित्त यानी बाइल का पीएच मान होता है 7.7। क्वेश्चन नंबर 6, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 9, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है आपका माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 10, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स काइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो भी नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए की खोज की थी आपके वॉटसन एम क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 17, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एवं फिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, ईस्ट है एक कवक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हैजा की रोगाणु की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स की थी रॉबर्ट कोच ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड की NaCl। क्वेश्चन नंबर 24, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, टीनिया सोलियम यानी कि जिसे हम फीताकृमि बोलते हैं परजीवी के रूप में रहता है हमारी आंत में। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो फ्रेंड्स ये रहता है ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 27, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 28, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 31, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्डेयर ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी कि 23 जोड़ी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चंस को वन लाइनर इसलिए करा तो मैं इन्हें आपको एज ए डिस्कशन के रूप में भी सकती हूँ, हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करा सकती हूँ, लेकिन फ्रेंड उससे क्या होगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन लाने का केवल मेरा एक ही मतलब है कि आप देखें कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना याद है, आप जो एज ए थ्योरी पढ़ चुके हो आपने अब तक कितना गेन किया। ये जस्ट ओनली फॉर टेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपका जो भी सुझाव होगा वो सराहनीय होगा। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 34, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। फ्रेंड्स, लाइकोपीन की कारण ही टमाटर में लाल रंग का कारण होता है या टमाटर का रंग लाल होता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, हल्दी में पीले रंग का कारण है कुरक्यूमिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है तना, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 37, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन
करने वाली कोशिकाओं में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि मुझे याद भी नहीं है जितनी बार मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, एमिलेज। एमिलेज की लार में पाए जाने वाले एंजाइम को हम एमिलेज तथा टाइलिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिभ्या के किस भाग में होती हैं? तो ये होती हैं पार्श्व भाग में। क्वेश्चन नंबर 40, घेंगा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है? फ्रेंड्स, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वह धातु है फ्रेंड्स कोबाल्ट, जो विटामिन B12 की एक घटक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन को भंग करना, जो भी हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा होती है उसको भंग करना ट्रिप्सिन का कार्य है। क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है यह आपके पौधे। क्वेश्चन नंबर 44, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, ये कहलाती है जस्ता। क्वेश्चन नंबर 45, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो ये होता है चर्म यानी कि हमारी स्किन में। क्वेश्चन नंबर 46, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? फ्रेंड्स, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो किसी प्रकार की सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, स्कंदित में तोड़ने वाला एंजाइम है रेनिन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, एंजाइम होते हैं ये अपने आप में प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, डाइस्ट्रेज एंजाइम का स्रोत है, इसका स्रोत है फ्रेंड्स लार ग्रंथियाँ किसका स्रोत है? लार ग्रंथियाँ स्रोत है आपका डाइस्ट्रेज एंजाइम का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 29। क्वेश्चन नंबर 51, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो ये है आपका विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 52, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे आप। नेक्स्ट इज नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो फ्रेंड्स, वो होता है माँ का दूध। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए और आरएनए हैं, डीएनए और आरएनए क्या कहलाते हैं? तो ये फ्रेंड्स कहलाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 54 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।